Ponting was a lovely little duckling. He loved counting. He went around the pond, counting lots of things. देखो यहाँ पे ना हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि कैसे हम एक नाउन का प्लूरल फॉर्म जान सकते हैं जैसे एक का नाउन है अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ एक ही है लेकिन जब हम प्लूरल की बात करते हैं ठीक है तो प्लूरल में वो जो चीज़ है ना वो एक से ज़्यादा हो जाती है नाउन हम जानते हैं कि नाउन हमेशा ही नाम होता है किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं सो so, प्लूरल में क्या होता है कि नाउन्स जो है ना वो एक से ज़्यादा होते हैं सो so, जब भी नाउन्स एक से ज़्यादा होंगे हम उन्हें प्लूरल कहेंगे ठीक है अब देखो आगे पढ़ते हैं पॉन्टिंग वॉज अ लवली लिटिल डकलिंग ही लव्ड काउंटिंग ही वेंट अराउंड द पॉन्ड काउंटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स पॉन्टिंग ना एक बहुत छोटा सा प्यारा सा डकलिंग था डकलिंग मतलब होता है डक का बच्चा था ठीक है डकलिंग मतलब डक का बच्चा सो पॉन्टिंग उसका नाम था वो ना उसको काउंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद था ठीक है वो कोई भी चीज़ अगर देखता तो वो काउंट करने लगता था जैसे अगर वो देखा कि आसपास बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो वो फ्लावर्स को काउंट करने लगेगा अगर उसके पास बहुत सारे ट्रीज़ हैं तो वो ट्रीज़ को काउंट करने लगेगा सब so, पॉन्टिंग को काउंटिंग बहुत पसंद थी ठीक है ही वेंट अराउंड द पॉन्ट काउंटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स पॉन्टिंग जो है ना वो तालाब के आसपास घूमते रहता था और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें काउंट करते रहता था जो भी उसे दिखता था वो उसे काउंट करने लगता था ठीक है He said one two, I have two webbed feet. He said one two three. Oh, there are three birds on the tree. उस वो काउंट कैसे करता था वो क्या बोलता था वन टू आई हैव टू वेब्ड फीड मतलब एक दो मेरे पास दो जालीदार ठीक है वेब मतलब होता है जालीदार मेरे पास दो जालीदार पैर हैं वैसे ही वो बोलता था वन टू थ्री देर आर थ्री बर्ड्स ऑन द ट्री अगर किसी पेड़ पे बहुत सारे बर्ड्स बैठे हैं तो वो उन्हें काउंट करने लगता था तो जब उसे उसने काउंट किया तो उसे क्या दिखा कि वहाँ पे तीन बर्ड्स हैं थ्री बर्ड्स हैं सो ही काउंटेड वन टू थ्री देर आर थ्री बर्ड्स ऑन द ट्री ठीक है अब देखो ही सैर One, two, three, four. There are four butterflies near the pond. Again he counted. This time he counted one, two, three, four. There are four butterflies near the pond. Matlab. Uh, pond kipas. Talap kipas char butterflies. thay He said one, two, three, four, five. There are five goldfish fish in the pond. Again he counted. देट देर आर वन टू थ्री फोर फाइव गोल्ड फिश इन द पौड मतलब इस बार उसने गोल्ड फिश देखे पौंड में और उसने उसे काउंट किया तो उन्हें उसे क्या पता चला कि वहाँ पर फाइव गोल्ड फिश थे उस पौंड में फाइव गोल्ड फिश थे अब देखो ओह ग्रास हॉपर्स हॉप विथ सिक्स लेग्स एंड ants टू हैव सिक्स लेग्स अब उसने इस बार क्या नोटिस किया कि जो ग्रास hop हॉप विथ सिक्स लेग्स आप जानते हो टिड्डे हमारे घर में टिड्डे होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं ठीक है वो एक जगह से दूसरी जगह फुदकते रहते हैं ठीक है तो ये जो टिड्डे होते हैं ना वो उनके सिक्स लेग्स होते हैं और वो इन्हीं सिक्स लेग्स से हॉप करते हैं वैसे ही ये जो एंड्स होती हैं ठीक है चीटियाँ जो होती हैं उनके भी सिक्स लेग्स होते हैं अब देखो He went walking to the farmyard. He saw seven puppies and their mother dog. He saw a spider with eight legs and some bushes with nine flowers. He saw a lovely caterpillar with ten bright dots. They वो ना फार्म में घूमने के लिए गया ठीक है खेतों के आसपास घूमने के लिए गया तो वहाँ उसने क्या देखा उसने वहाँ पे सेवन पपीज़ देखे उनकी मदर डॉग के साथ मतलब वहाँ पे सात वहाँ पे सेवन छोटे छोटे डॉग के पपीज थे ठीक है और उनके साथ उनकी माँ भी थी उसकी उनकी मम्मी भी थी सो सेवन पपीज थे छोटे डॉगी के पच्चे थे और उनके साथ उनकी मम्मी थी और उसने क्या देखा अ स्पाइडर विथ एट लेग्स उसने एक स्पाइडर देखा उसने एक मकड़ी देखी जिसके आठ पैर थे एट लेग्स थे ठीक है और उसने कुछ बुशेस झाड़ियों में नाइन फ्लावर्स देखे ठीक है वो उसने एक झाड़ियाँ देखी जहाँ पे नाइन फ्लावर्स उसने काउंट किए अब देखो ही सॉ अ लवली कैटर पिलर विथ टेन ब्राइट डॉट्स ही सॉ अ कैटर पिलर विथ टेन ब्राइट डॉट्स उसने एक कैटर पिलर भी देखा जिसपे टेन मतलब दस ब्राइट डॉट्स थे डॉट्स मतलब होता है डार्क स्पॉट कुछ ना धब्बे से थे उसमें लेकिन बहुत चमकदार से कैटर पिलर को ना हम हिंदी में इल्ली कहते हैं ये ना बहुत सारी सब्जियों में बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे आस और उसकी ना बॉडी जो है थोड़ी अलग टाइप की होती है और वैसे रिंग रिंग टाइप के चलता है ठीक है कैटरपिलर ही कुछ टाइम बाद आगे जाके बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है ठीक है कैटरपिलर बाद में बटरफ्लाई बनता है ठीक है अब देखो पॉन्टिक वॉज नॉट टायर्ड ऑफ काउंटिंग वन डे ही वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक ही सॉ द मडर लेडी टेकिंग हर लिटिल बेबीज आउट फॉर अ स्ट्रोल पॉन्टिंग ना कभी भी काउंट uh, कर करके थकता नहीं था उसे काउंटिंग इतनी पसंद थी कि वो दिन भर काउंट करता था और वो कभी बोर नहीं होता था उस चीज़ से वन डे ही वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एक दिन वो मॉर्निंग वॉक के लिए गया मतलब सुबह सुबह सैर करने बाहर गया ही सॉन्ग द मदर लेडी बर्ड टेकिंग हर लिटिल बेबीज आउट फॉर अ स्ट्रोल उसने क्या देखा कि एक मदर लेडी बर्ड थी जो अपने बच्चों को घुमाने के लिए वॉक पे लेकर जा रही थी ठीक है वहाँ पे एक मदर लेडी बर्ड थी और उनके साथ उसके कुछ बच्चे थे लेडी लेडी बर्ड को हम हिंदी में सोन पंखी कहते हैं ठीक है लेडी बर्ड को हिंदी में सोन पंखी कहा जाता है क्योंकि जो उनके पंख होते हैं ना वो गोल्डन कलर के होते हैं और ये जो है ना उनको हार्मफुल एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते हैं अब देखो पॉन्टिंग काउंटेड दिक्स डॉट्स ऑन द मदर एंड द टेन डॉट्स ऑन द फाइव लिटिल बेबीज ईच लिटिल लेडी बर्ड हैड टू डॉट्स पॉन्टिंग ने उन पर भी काउंट किया उन पर ना लेडी बर्ड में भी बहुत सारे डॉट्स होते हैं तो उसने जब काउंट किया तो उसे ये पता चला कि जो मदर लेडी बर्ड थी ठीक है उस पर सिक्स डॉट्स थे ठीक है उस मदर लेडी बर्ड पे सिक्स डॉट्स थे और उसके जो पांच बच्चे थे उसके फाइव बेबीज थे उसके हर एक बेबी पे टू डॉट्स थे ठीक है तो अगर फाइव बेबीज हैं हर एक पे टू है मतलब टोटल कितने हुए टेन डॉट्स और मदर लेडी बर्ड पे सिक्स डॉट्स सो बेबीज पे फाइव थे तो टोटल में टेन डॉट्स थे और मदर लेडी बर्ड पे सिक्स डॉट्स थे ये उसने काउंट किया ठीक है आफ्टर सम आवर्स पॉइंटिंग सॉ द मदर लेडी बर्ड रिटर्निंग होम ही काउंटेड द डॉट्स अगेन देअ वर ओनली एट स्मॉल डॉट्स इंस्टेयर ऑफ टेन कुछ घंटे बाद ना पॉन्टिंग देखा कि वो जो मदर लेडी बर्ड थी वो वापस घर लौट रही थी ठीक है वो जो अपने बच्चों को घुमाने लेके गई थी वॉक पे लेके गई थी सो वो वापस घर लौट रही थी तो उसने क्या किया दोबारा से काउंट किया तो उसे क्या पता चला कि मदर लेडी बर्ड पे सिक्स डॉट्स तो हैं लेकिन अब ना जो उसने पहले टेन डॉट्स काउंट किए थे टोटल फाइव बच्चे थे फाइव बेबीज़ थे उन पर टेन डॉट्स थे अब जब उसने काउंट किया तो सिर्फ एट ही थे मतलब जब एक हर एक पे टू डॉट्स थे तो फोर पे तो एट डॉट्स हो गए मतलब एक मिसिंग है है ना टेन तो तभी होंगे ना जब फाइव हमारे पास होंगे मान लो मेरे पास अगर टू चॉ चौक, टू चॉकलेट्स हैं ठीक है और मेरे पास मेरे चार और दोस्त हैं और हर एक के पास टू चॉकलेट्स हैं तो हमारे पास टोटल कितनी होगी टेन चॉकलेट्स होगी होगी ना हमारे पास टेन चॉकलेट्स होगी लेकिन अगर मैं कहीं चले जाऊँ तो मेरी दो चॉकलेट्स भी मेरे साथ चले जाएगी जाएगी ना जैसे मैं कहीं चले गई तो मेरी जो टू चॉकलेट्स है वो मेरे साथ चले जाएगी बच्चे कितने एट ही बचेंगे यहाँ पे भी एट ही डॉट्स थे उन पे मतलब एक कोई जो था वो नहीं था उनके साथ है ना कोई घूम गया था तो देखो पॉन्टिंग फेल दैट टू द मदर एंड टोल्ड हर दैट वर मिसिंग द मदर वेंट एंड फाउंड पे बी इन साइड बुश देखो पॉन्टिंग को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो यहाँ पे सही नहीं है पोन्टिंग उस मदर लेडी बर्ड के पास गया और उन्हें बताया कि कुछ टॉट्स जो हैं कुछ जो आ, मतलब धब्बे जो मैंने काउंट किए थे वो स्पॉट्स जो हैं वो मिसिंग है तो वो जो मदर लेडी बर्ड है ना वो तुरंत इधर उधर ढूंढने लगी और उसने अपने जो बच्चे को खो गई थी जो बच्चा उनका खो गया था उसने उन, उन्होंने उसे वापस पा लिया ठीक है पोंटिंग ने उन्हें जाके बताया तो वो उन्हें ढूंढने चले गई और वो उस बच्चे को वापस पा ली ठीक है वो कहाँ दब गया था एक बहुत ना घनी झाड़ी में फंस गया था तो वो उसे वहाँ से बाहर निकाली और वो उन्हें मिल गया अब देखो शी थैंक्ड पॉन्टिंग एंड टोल्ड हर चिल्ड्रन दैट काउंटिंग वॉज़ वेरी यूजफुल उसने पॉन्टिंग को थैंक यू बोला कि उसने उनके बच्चे को ढूंढने में हेल्प की और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को उस लेडी बर्ड ने अपने बच्चों को सिखाया कि काउंटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है अगर कोई चीज़ आप काउंट करके रखोगे तो आप कभी भी उसे मिस नहीं करोगे जैसे ना अगर आप हर दिन स्कूल आओ और अगर आप अपनी बुक्स को काउंट करके लाओ तो आप कभी भी कोई बुक मिस नहीं करोगे आपको तो पता होता है कि जैसे मुझे आज फाइव सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप काउंट करके अगर बुक्स रखोगे तो आप कभी भी मिस नहीं करोगे आप कभी कोई चीज भूलोगे नहीं इसीलिए काउंटिंग हमेशा करनी चाहिए किसी भी चीज में हो हमें काउंटिंग करनी ही चाहिए ठीक है सो so, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया अब एक स्मॉल सा फैक्ट है वो हम पढ़ लेते हैं देखो द ब्राइट कलर ऑफ द लेडी बर्ड प्रोटेक्ट्स against अगेंस्ट अदर हार्मफुल एनिमल्स ये जो लेडी बर्ड होती है ना सोन पंखी जिसे हम कहते हैं उसके जो ब्राइट डॉट्स हैं ठीक है, है? बहुत जो आ, क्या बोलना चाहिए मतलब चमकने वाले दूर से दिखने वाले जो डॉट्स हैं वो उन्हें दूसरे हार्मफुल animals से दूर लगते हैं ठीक है, है? एनिमल्स उन पर हमला करते इससे बढ़िया जब वो चमकने लगती है ना तो जो एनिमल्स हैं वो भी थोड़ा डर जाते हैं इसीलिए वो उनसे दूर रहते हैं ठीक है अब देखो अब हम ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं यहाँ पे ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हॉप हॉप का है जंप हॉप मतलब होता है जंप मतलब जब आप कूदते हो ना तो वो हॉप करना कहलाता है सेकेंड इज डॉट्स डार्क स्पॉट्स जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं धब्बे जो होते हैं काले टाइप के उसे हम डॉट्स कहते हैं ठीक है अब देखो स्ट्रोल स्ट्रोल मतलब होता है वॉक जब आप वॉक करने जाते हो तो हम उसे स्ट्रोल कहते हैं अब देखो फेल्ट थॉट फेल्ट मतलब होता है थॉट मतलब सोचना आप कोई चीज जब सोचते हो ना तो आई फेल्ट बोलते हैं मैंने ऐसा सोचा ठीक है मिसिंग लॉस्ट या एबसेंट मिसिंग मतलब खो देना किस कोई अगर चीज मिसिंग मतलब होता है खो देना कोई चीज अगर आप भूल जाते हो ठीक है या खो देते हो तो हम उसे मिसिंग कहते हैं बुश श्रब थिक प्लांट बुश मतलब झाड़ियाँ होता है ठीक है अगर बहुत सारी झाड़ियाँ कहीं पे तो हम उसे बुश कहेंगे अब देखो एंटोनिम्स भी पढ़ लेते हैं लव हेट लव का जो एंटोनिम होता है वो होता है हेट लव मतलब प्यार हेट मतलब नफरत अब देखो रॉन्ग राइट कोई चीज़ गलत है तो हम उसे रॉन्ग कहते हैं और कोई चीज़ सही है तो हम उसे राइट कहते हैं क्विकली स्लोली क्विकली मतलब बहुत जल्दी जल्दी और स्लोली मतलब धीरे धीरे लॉस्ट फाउंड लॉस्ट मतलब खो देना और फाउंड मतलब मिल जाना ठीक है कोई चीज अगर आप खो देते हो तो हम बोलते हैं कि लॉस्ट और आपको मिल जाती है तो फाउंड inside मतलब अंदर कोई चीज अगर घर के अंदर है तो आप inside बोलोगे और आउटसाइड तो कोई चीज़ अगर बाहर है तो आउटसाइड वैसे ही यूजफुल मतलब कोई चीज़ अगर काम की है तो हम उसे यूजफुल कहेंगे और यूजलेस मतलब अगर कोई चीज़ काम की नहीं है तो हम उसे यूजलेस कहेंगे बेकार जिसे हम कहते हैं ठीक है थीके? सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है सो थैंक यू बाय बाय